दीपावली का त्यौहार आने वाला है, घर घर दीपावली की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तो आज हम आप लोगों को दीपावली से रिलेटेड वाटर कैंडल कैसे बनाते हैं वो बताएंगे, जिसे आप यदि दीपावली में जलाएंगे तो दीपावली की रौनक और बढ़ जाएगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं बहुत ही इजी तरीके से वाटर कैंडल बनाना। वाटर कैंडल बनाने के लिए हम यहाँ पे एक कांच का बोल लेंगे। कांच के बोल में हम यहाँ पे स्टोन यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे रेड कलर का स्टोन यूज़ किया है। आप चाहें तो जो भी स्टोन किसी भी कलर का यूज़ कर सकती हैं। मार्केट में ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है। आप स्टोन की जगह क्रिस्टल भी यूज़ कर सकती हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी। इसके ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा कलर यूज़ करेंगे खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हमने रेड कलर का यूज़ किया है। इसमें हम इसको घोल देंगे और ऊपर से हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। जो भी घर में आप कुकिंग ऑयल यूज़ करती हैं उसको आप इसमें डालें। 2 से 3 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब हम यहाँ पे एक प्लास्टिक सीट यूज़ करेंगे। तो इसके मेजर करके हम छोटा सा सर्कल इसमें कट कर लेंगे। इससे इस तरह से हम सीजर की सहायता से सर्कल को कट कर लेंगे अपने बोल का मेजरमेंट के हिसाब से। छोटा सर्कल हमें यूज़ करना है यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से हमने सर्कल को कट कर लिया। अब इस बीच में हम सीजर की सहायता से ही होल बनाएंगे ताकि इसमें हम बाती को एडजस्ट कर सकें। अब हम यहाँ पे एक कॉटन का रुई लेंगे और इसे इस तरह से लंबा करते हुए बाती बना लेंगे और इसमें हम इसको फिल करेंगे। देखिए थोड़ा सा होल छोटा ही है, छोटा ही रखना भी है ताकि इसमें अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। तो हम सीजर की सहायता से ही इसे फिल कर लेंगे। अब हम इस बाती को थोड़ा बड़ा रखेंगे और इसे हम ऑयल में, तेल में इसे हम डिप करेंगे। अब फिर इसे हम इस तरह से ऊपर डाल देंगे और हम माचिस की सहायता से इसे हम जला देंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तैयार है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आपको भी शायद लग रहा होगा इसकी खूबसूरती देख के। तो चलिए अब हम आपको दूसरा बताते हैं। तो दूसरा बनाने के लिए हम यहाँ पे कांच का ग्लास लिए हैं और हम इसमें आर्टिफिशियल फूल यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे रोज़ आर्टिफिशियल फूल यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई भी फ्लावर यूज कर सकती हैं। अब हम इसमें सेम प्रोसेस में पानी डालेंगे, 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज़ किया है। तो थोड़ा सा ऑरेंज कलर हम इसमें घोल देंगे। अब हम इसमें सेम प्रोसेस करते हुए उस तरह से प्लास्टिक सीट में बाती को फील करके और इसे हम ऊपर एडजस्ट कर देंगे और इसे भी हम जला देंगे। तो देखिए इससे जो रोशनी होती है दीपावली में बहुत ही अच्छा दिखता है, काफ़ी खूबसूरती दीपावली का और बढ़ जाता है। और देखिए दोनों तैयार है। अब हम तीसरा तरीका आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए भी हमने एक ग्लास लिया है और यहाँ पे हम मोतियों का और सीप का यूज़ किया है। जो राखी से बचा हुआ, राखी में जो भी स्टोन होता है या मोती होता है, सीप होता है, जिसको हम फेंक देते हैं, उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब इसको ग्लास में हम डाल के फिर पानी डाल के और इस यहाँ पर हम ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं, घोल देंगे और इस तरह से हम प्लास्टिक का सर्कल कट करके इसके ऊपर भी डालेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ कुकिंग ऑयल डालेंगे, ऊपर से बाती को डीप करके ऑयल में फिर हम इसे ऊपर से एडजस्ट कर देंगे। ऐसे भी हम सेम प्रोसेस में इसे जला देंगे। देखिए ये भी बिल्कुल बनके तैयार है। जब आप इसे जलाएंगी दीपावली के समय में तो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा, इसका प्रकाश बहुत ही अच्छा दिखता है। अब हम यहाँ पे एक चौला बोल लिए हैं कांच का। इसमें हम मिस मैच स्टोन यूज़ करेंगे, जैसे रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का। इसमें भी हम पानी डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऑरेंज कलर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ऑरेंज कलर को हम इसमें घोल देंगे। ऊपर से हमने ओरिजिनल फ्लावर का यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम मैरी गोल्ड फ्लावर यूज़ कर रहे हैं। ऊपर से हम इसे डाल देंगे, ऊपर से थोड़ी सी रोज़ की पंखुड़ियाँ भी हम इसमें डालेंगे ताकि इसको खूबसूरती और बढ़ जाए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसे भी हम सेम प्रोसेस से जला देंगे। देखिए ये कितना खूबसूरत बनके तैयार हुआ है। अगर इस तरह से आप दीपावली में कैंडल बना के जलाती हैं तो खूबसूरती तो बढ़ेगी ही, साथ साथ लक्ष्मी जी भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। इसीलिए मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस तरह से इस बार दीपावली में कैंडल ज़रूर बनाएंगी और अपने लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर देंगी। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएँ और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।